Assalamualaikum friends, hello everyone, namaste daab, sat sri akal ji, to kaise hain aap? मैं हूं उमर, आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो लोग रोजाना हमारी वीडियोस देखते हैं उनको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, एक एक सब्सक्राइबर का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, और ऐसे ही इस फैमिली को बढ़ाते रहिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। पीएम मोदी ने आपको पता है कि जो फॉरेन से उनको जो गिफ्ट मिलते हैं वो उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिए, बिल्कुल उनसे जो पैसे हासिल होते हैं वो फिर जो लड़की की एजुकेशन है बहुत ही अच्छी चीज है। आज पीएम मोदी जी का इंटरव्यू हम देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो देखते हैं आज की वीडियो। चलिए, लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सही बात है, दिखता है कि यार उनको नहीं चाहिए कुछ भी। एक फकीरी है आपके साथ, फकीरी बिल्कुल। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? बहुत दयालु है सच्ची में। ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। आपने कविता ने कहा भी है कहीं तो फकीरी के का जिक्र बहुत किया। बहुत पुरानी मेरी एक, अगर अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन मुझे बता दें। मेरी कठिनाई है, राती में आपकी कविता मुझे पता है, मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्द को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शाल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा, मेरा भी मन करेगा, आपका भी मन करेगा, करता है सबका करता है यार, मेरा मन नहीं। ओ, बहुत बड़ी बात है, मेरा मन नहीं करता। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है तोशाखाना बोलते हैं उसमें डालते हैं। वाओ, जबरदस्त। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारिया भेज देते हो, पर मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा, मुझे मैं दे देता। अच्छा, फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाया। ये काम जबरदस्त। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें, सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया, ऐसा सुनने में आया, हमारे यहाँ पे तो जितना लूटा है ना। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में। वाओ यार, बहुत ये बहुत कमाल की बात, बहुत ही अच्छी बात। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे, फंक्शन में जाता था 100 करोड़ चीज देने की बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए कर दिया, कमाल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, जीत लिया। जब मैं
मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया। तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा, आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ ना कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, इसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कितनी कमाल की बात, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हला रहे मुंडी। मैं भी सोच रहा था मेरी बात मान ली कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं, मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए। कैसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे कि आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, यार बहुत ही अच्छी वीडियो, अपना एक किस्सा उन्होंने सुनाया, बहुत ही प्यारा किस्सा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये सुन के। और मतलब पीएम मोदी इतने ज्यादा अच्छे हैं, ये तो हमने पहले भी सुना था कि उनको जो भी गिफ्ट्स मतलब मिलते हैं वो लड़कियों की एजुकेशन पे मतलब डोनेट कर देते हैं, कि लड़कियां जो है क्योंकि उनका ही है कि पढ़ेंगी लड़कियां तो फिर ही देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह ये वाक्य इन्होंने सुनाया कि ये जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो आपको पता है कि मिनिस्टर्स होते हैं फिर उनको बिजनेसमैन की तरफ से या और भी हुकूमत की तरफ से गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, तो बोलते थे कि मैं इन गिफ्ट्स का क्या करूंगा, कोई फैमिली भी नहीं थे ना, शादी भी नहीं की, आपको पता है इसका मतलब गिफ्ट्स का क्या करूंगा। तो फिर उन्होंने जो गिफ्ट्स है उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी ऑक्शन करवा के इससे जो पैसे आएंगे वो गर्ल्स की एजुकेशन, क्योंकि अगर एक चीज पढ़ी रहे उसका तो कोई फायदा नहीं है, जो इतनी ज्यादा अमाउंट्स 100 करोड़ से भी ज्यादा यार। और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जब ये ऑक्शन वगैरह करवाई तो फिर लोगों ने मुझे गिफ्ट्स की बजाय ना चेक पैसे देने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं इन्हें ऐसे ही लोगों को पता चल जाता कि यार अब आपने एक चैरिटी शुरू कर दिया लोगों बच्चियों की तालीम के लिए तो आपको पैसे ही देते, तो इतने इतने पैसे लोग पता नहीं कितने देते होंगे, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बच्चियां और बच्चे जो भी हैं वो सब लोग पढ़ सकेंगे। बहुत अच्छी बात लगी है कि वो बोल रहे हैं कि सीएम से जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके जो बैंक अकाउंट है 5-6 लाख रुपया था, वो जो सीएम की होती है ना तनख्वाह, बोल रहे 5-6 लाख, मतलब कि मैं समझ रही हूँ कि यार 5-6 लाख रुपया सिर्फ उनके पास था। यहाँ पे अगर आप किसी का खाता खोल के देखे आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे सीएम के भी आपको, क्योंकि वो जो पैसे
हर जगह पर किसी भी आप मुल्क में देख लें जो मिनिस्टर्स होते हैं ना हुकूमत की तरफ से, वो भी एक सरकारी एक अफसर होते हैं, लेकिन उनकी भी तनख्वाह ऐसी होती है, तनख्वाह तो होती है, लेकिन वो जो ऊपर से मतलब जो ये करप्शन करते हैं या रिश्वत लेते हैं, ये सब कुछ इनके पैसे बस उनके पास ज्यादा होते हैं। अगर जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास 5-6 लाख था, क्योंकि वो उनकी सैलरी वगैरह जो उनको मिलती थी जितनी देर भी हाँ उतनी उधर है, जो उनको मिलती थी, तो बोल रहे हैं वो भी मैंने मतलब अपने ऑफिसर से बोला कि ये भी जो ड्राइवर और उनके जो मतलब बच्चे उनकी तालीम पे लगा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर उनको कोई भी किसी किस्म की दिक्कत आए या कोई पैसों की परेशानी है, मोदी मतलब ऐसे हैं कि उनकी ना कोई फैमिली है ना उनका कोई बच्चा है जिसको वो पैसे दे, मतलब हम सोचेंगे यार ये बंदा किसके लिए जोड़ा है या किसके लिए चाहिए, वो इंडिया के वहां में ना उसको ही अपनी एक मतलब फैमिली समझते हैं, उनके लिए ही वो जितना हो सके ना। सच्ची में हमने खुद देखा है अपनी आंखों से कि उन्होंने जितना किया है ना कोई नहीं कर सकता, और अपने मुल्क के लिए हम जितने सिंसियर वो है, अपने मुल्क में उन्होंने बहुत ही कुछ डेवलप किया है इन 8-10 सालों में, जितनी देर भी उन्होंने अभी तक हुकूमत की है, काफी ज्यादा चीजें हमें न्यू प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ नया देखने को मिला है जो पहले नहीं था, बहुत ही तरक्की इसमें की है। और इंडिया की अगर आप किसी भी लोगों से भी पूछेंगे तो वो खुद यही कहते हैं कि यार हम बहुत ही खुश हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही बात है, और मतलब मुझे अपने कंट्री के लिए दुख होता है कि हमारे यहाँ के जो होते हैं वो लंदन में फ्लैट ले लिया, कहीं पे ले लिया, और करप्शन कर करके तो पैसे अपने बाहर की कंट्री, और ऐसा पीएम की जरूरत है हमें इस टाइम पे, ऐसा पीएम होगा जो अपना फायदा ना सोचे, जो अपने आत्मनिर्भर भारत उन्होंने बनाया है हर, और अभी और भी इसे ना वो आगे लेकर चल रहे हैं कि इसे इससे भी बेहतर बनाएंगे और भी ना। सही बात है, मतलब दुनिया अभी इंडिया की तरफ देख रही है, दुनिया अभी इंडिया में आना चाहती है, G20 की मीटिंग्स जो हो रही है, पूरी दुनिया के जो हैं मतलब आ रहे हैं वजीर, और कितनी ज्यादा डेवलपमेंट और आने वाले सालों में होगी, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा था, काफी दिल को छूने वाला एक इंटरव्यू था, बहुत ही मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू।